नवसारी सीट का आंकड़ों का एनालिसिस। संजय भाई किस तरह के आंकड़े हैं नवसारी सीट के? लोकसभा नवसारी सीट में अगर आंकड़ों की दृष्टि से देखा जाए तो 2009 में 16,23,415 वोटर थे, जिसमें 9,02,783 पुरुष मतदाता थे और 7,20,632 स्त्री मतदाता थे। 2014 में कुल मतदाता 17,64,570 हुए, जिसमें से 9,72,090 पुरुष मतदाता थे, 7,92,480 स्त्री मतदाता थे। 2019 में मतदाताओं की काफ़ी संख्या बढ़ी है, टोटल मतदाता है 19,71,388, जिसमें से 10,76,400 पुरुष मतदाता है और 8,94,988 स्त्री मतदाता है। अगर जाति के आधारित हम देखें तो नवसारी सीट पर 2,75,000 कोली मतदाता है, जो 14% उसका वोट शेयर है। 2,00,000 आदिवासी है, जो 10% उसका वोट शेयर है। 1,30,000 मुस्लिम मतदाता है, जो 7% उसका मत शेयर है। और अन्य जातियाँ 13,35,700 मतदाता है, जो 69 वोट शेयर है। इस तरह देखा जाए तो कोई कोली और आदिवासी के अलावा और कोई वहाँ पे फैक्टर काम नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे 69% इतर ज्ञातियों का वहाँ पे वोटिंग है। हाँ, उसके अलावा सबसे ज़्यादा है जो दूसरी जातियाँ का वोटर वहाँ पे बहुत है। अगर 2009 और 2014 में जो वोटिंग हुआ था, जो मतदान हुआ था, उस पर नज़र हम करें तो 2009 में नवसारी सीट पर 7,57,542 लोगों ने मतदान किया था, जिसमें से 4,33,741 पुरुष मतदाता थे और 3,23,773 स्त्री मतदाता थे। 2014 में 11,51,425 लोगों ने मतदान किया था, जिसमें से 6,44,265 पुरुष मतदाता थे और 5,12,736 स्त्री मतदाता थे। अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 2009 में 47% वोटिंग हुआ था और 2014 में 65% वोटिंग हुआ था। तकरीबन 2,00,000 जितने मतदाता बढ़े हैं भरूच नवसारी सीट से। और इस हिसाब से हम देखें तो 58.5% वोटिंग होता है 2019 के चुनाव में, तो जो 2014 में जितने वोटरों ने वोटिंग किया था उतनी मात्रा में वोटिंग हो जाएगा। ये थे नवसारी सीट का आंकड़ों का।